अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो हमारी डिस्कशन इस वक्त कंटिन्यू है किसके ऊपर, कि हम इस वक्त जीन वेरिएशंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर हम मोहम्मद हसन कुछ सवाल लेके आए। जी मेरे मोहम्मद हसन, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आपका, जिसमें आप रोजाना लिंक वगैरह शेयर करते हैं, मैंने आपको कहा था कि ऐड कर दीजिए, आपने ऐड नहीं किया तो मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ रोजाना, या जब भी आपकी क्लास होती है। मैं अभी कर देता हूँ, अभी कर, सॉरी। ठीक है सर। और दूसरी बात सर, कि आपने कहा था कि मतलब जो जीन या इस तरह का जो से अकल का कोई रिलेशन या इस तरह नहीं है, तो जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो सर पेरेंट जो मिसाल के तौर पे हैं, अगर उनकी जीन या उनके थॉट्स या जो सोचने की कैपेबिलिटी या सब कुछ ये ज्यादा होता है, तो उस चीज का उन ऑफ स्प्रिंग पे तो फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता सर? आपकी आपकी राय क्या है पहले ये बताएं सर, जिस तरह आपने कहा है मैंने उस चीज। मोहम्मद हसन बेटा, आपको सवाल समझ में आया जो मोहम्मद हसन ने सवाल किया? यस सर, समझ आ गया। आपकी राय क्या है? सर मेरी राय नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मेरी राय पहले आपका आंसर सुनूंगा तो फिर अपनी राय दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप क्या समझते हैं अब तक? सर मैं समझता हूँ कि ये होता है, तो जिस वजह से आप जो टॉपिक समझाने के बाद जो डिस्कशन चल रही थी उसमें मुझे कंफ्यूजन थी, इस वजह से मैंने ये सवाल किया कि फिर तो वो जो पेरेंट होता है उनके जो जीन ट्रांसफर होते हैं उस हिसाब से उस चाइल्ड पे तो फर्क पड़ सकता है या उस चाइल्ड पे तो फर्क होता है। ऐसे नहीं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे क्लास में उसी तरह का सोचते हैं या उसी तरह की उनकी अकल उतनी काम करती है जितनी सबकी करती है। या अंतर पहली बात तो ये कि देखिए आपने कहा ना मैं कंफ्यूज हूँ, तो याद रखें कि आइम्मा अलैहिस्सलाम का कौल है और अल्लाह ने भी फरमाया है कि जब इंसान कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज इसका मतलब है कि वो लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि जिसने सीखना नहीं होता ना वो कंफ्यूज भी नहीं होता, वो कहता है मेरी बला से कुछ भी हो, जिसने सीखना होता वो कंफ्यूज होता। मोहम्मद माइक बंद कर लीजिएगा सर, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब मैंने आपसे मैं आपको कुछ एक बात समझाता हूँ, आपको खुद को समझ में आएगा कि आपके सवाल का आंसर क्या है, ठीक है जनाब? मोहम्मद हसन है ना, आपको खुद को समझ आएगा कि आपके सवाल का आंसर क्या है। अगर इस बात को हम तस्लीम कर लें कि पेरेंट्स के जो स्किल्स होती हैं या जो पेरेंट्स के करेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसने भी सवाल किया था खतीजा बेटा ने कि सर जो पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, समझदार हैं, ये वो है, लेकिन बच्चे, एक अम्मी डॉक्टर हैं, बाबा इंजीनियर हैं, बच्चे जो है ना पढ़ ही नहीं रहे, तो आपका भी तकरीबन कहूँ बेश यही सवाल है कि जनाब फिर वो बच्चे जो है वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जबकि बाप इंजीनियर और वालदा डॉक्टर है, ठीक है ना? और दोनों बड़े ज़बरदस्त अपने अपनी स्टडीज के अंदर बेहतरीन रहे, अपने अपने यूनिवर्सिटी के दौर में गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकता है, हो सिल्वर मेडलिस्ट हो, लेकिन जनाब बच्चे में वो चीज़ क्यों नहीं ट्रांसफर हुई? मेरा आपसे सवाल है कि अगर फिर वही कि एक बच्चे को, मैं जवाब दे चुका हूँ लेकिन आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर बच्चे को आप ताली एक जाहिल वालदेन यानी कि अनपढ़ वालदेन के बच्चे को कोई पढ़े लिखे लोग अडॉप्ट कर लें, अनपढ़ वालदेन हो उनके बच्चों को कोई पढ़े लिखे लोग अडॉप्ट कर लें, अच्छी फैमिली वाले अडॉप्ट, पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्म और जहल की बात कर रहा हूँ, एक जहल खानदान जो अनपढ़ खानदान है उनके यहाँ बच्चा हो, कोई पढ़ा लिखी फैमिली अडॉप्ट कर ले, उनके घर के अंदर तालीम की भी तरबियत दी जाती हो, पढ़ाई भी दी जाती हो, नमाज रोज़ा भी हो और तमाम नेकियों की बातें भी की जाती हों और पढ़ाई पे बड़ा जोर भी दिया जाता हो, फिक्र भी की जाती हो, मुझे बताएं वो बच्चा अपने पेरेंट्स की अडॉप्टेशन लेगा या जिस माहौल में पढ़ रहा है उसकी अडॉप्टेशन लेगा? सर ये तो माहौल का असर हुआ है। हाँ माहौल का असर है, बिल्कुल माहौल का असर है। अगर जीन का असर होता तो माहौल उसे डिस्टर्ब नहीं करता, अगर जाहिल वालदेन की जीन भी अगर जाहिल होती तो बच्चा भी जाहिल रहता, क्योंकि जीन सर बात थी। सर बात जाहिल की, मैं एक बात बताऊं जी बोले। हाँ जी हसन, हसन को करने दे बात। सर बात जाहिल की या जो है वो माहौल की नहीं है, बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि स्किल्स वगैरह जो कुछ भी, अगर एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर है, तो क्या सर
बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो हो सकता है उसको वो माहौल नहीं मिल रहा हो, या जो है वो उसमें सीखने वाली पढ़ाई वाला माहौल ना हो, कुछ Very और good. चीज में जो है वो उसका माइंड अच्छा हो। चले यहाँ तक बात मेरी भी समझ में आ गई, आगे सवाल कर। उसमें माइंड अच्छा हो ये कहना चाह रहे हैं? हाँ यस सर, बात बिल्कुल सही है आपकी के स्किल जो 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 है ना जहानत वाली जीन जो है, यानी सर स्किल लर्निंग की जो कैपेबिलिटी की चीज होती है ना, ये कैपेबिलिटी इसकी बात हो सकती है कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज है। और याद रखें अल्लाह ने हर इंसान को अहसन और तकवीन पे खल्क किया है और उसको एक जैसी सलाहियतों के साथ खल्क किया है। अगर मैं ये कह दूं कि हसन में सलाहियतें नहीं थी और इंतजार में सलाहियतें थी, तो फिर हसन अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कह सकता है कि या अल्लाह तूने इंतजार को पहले ही सलाहियतों वाला बनाया था, तो जाहिर है उसने तो अच्छा होना था, मेरी सलाहियतें कम थी इसलिए मैं इतना अच्छा नहीं हो सका। तो ऐसा नहीं है, याद रखें हर इंसान अहसन व तकवीन पे खल्क होता है, कुरान की आयत है। हाँ उसकी यूटिलाइजेशन उसके गार्जियंस उसके पेरेंट्स उसके जिस्म का इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है कि एक के पास जहानत थोड़ी ज्यादा हो, एक के पास जहानत कम हो। ये बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, जब हमने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं उनके अंदर उनकी मेंटल एबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफर होते हैं। और रसूल खुदा का कौल भी पढ़ा था हमने कि और साइंटिफिक वे में भी कहा था कि जो क्लोज खानदान में शादियां होती हैं, इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा एलिब्रेट पहले भी किया था अभी भी कर रहा हूं, कि उसके लिए मना किया गया, मतलब चचाजाद तायाजाद अपना फूफीजाद ठीक है ना, इन अपना इन इन करीबी जो रिलेशन होता है यानी ननियाल के और ददियाल के, इनके यहाँ बिल्कुल जो कजन होते हैं फर्स्ट मैरिजेस जो होती है वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जीन पूल सेम होता है और जब जीन पूल सेम होता है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी नए सेट ऑफ द जीन जो बनते हैं वो ज्यादा इनोवेटिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिन जीन्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो पहले ही सिमिलर थी, जब वो पहले ही सिमिलर थी तो नए रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट जैसे होंगे। लेकिन जब डिफरेंट जीन्स मिलती हैं गैर खानदान की या दूसरे खानदान की जीन्स मिलती हैं तो फिर बच्चों में इनोवेशन आती है। और ये बात मोहम्मद हसन की बिल्कुल ठीक है कि अगर जीन के अंदर डिफरेंट मिले तो वेरिएशन आती है और बच्चे शार्प माइंडेड जरूर होते हैं, तेज होते हैं। अगर उनको सही गाइडलाइन सही तरबियती एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत, जैसे कि आज का बच्चा मोबाइल चला लेता है 5 साल का 4 साल का, जबकि आज से अगर 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था और 20 साल पहले उसको अगर अभी मोबाइल एंड्रॉइड सेट दे देते तो वो नहीं चला सकता था। क्यों? एनवायरमेंट में नहीं था, माहौल में नहीं था, वो देख नहीं रहा था। अब बच्चा पहले दिन से देख रहा है ये चीजें, इसके मम्मा के पास भी है, बाबा के पास भी है, बड़े भाई के पास भी है, ऐसे चला रहे हैं, वो देख रहा है, जो देखता है वो सीखता है। तो ये बिल्कुल है कि स्किल्स एबिलिटीज ट्रांसफर होती है और जितने नए सेट ऑफ द जीन बनेंगे डिफरेंट जीन्स मिलेंगी उतनी नस्ल इनोवेटिव होगी, उतनी वेरिएशन आएंगी। लेकिन अगर एक जैसी जीन आपस में मिलेंगी, जी दो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आपने कहा कि उनके अंदर जिनकी कजन मैरिजेस होती है उनमें मेंटल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन सर हमने देखा है कि इधर लोगों के हैं कुछ इधर उनके होती हैं तो उनके बच्चे तो बिल्कुल मतलब अच्छा ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं और वो वैसे ही होशियार होते हैं जैसे और नॉर्मल सब हैं। ये देखें सेलेक्टिवली ऐसा हुआ होगा ऐसा, लेकिन 85% ये रेशियो नहीं है। अगर कजन मैरिजेस होती हैं और बहुत नियरेस्ट मैरिजेस होती हैं और फिर मैरिजेस के बाद फिर मैरिजेस होती हैं, मतलब वो एक नस्ल जवान हो गई फिर उनकी कजन में शादी हो गई, फिर एक नस्ल जवान हो गई फिर अगली कजन में शादी हो गई, इस तरह अगर ज्यादा मैरिजेस चलती रहती हैं कजन टू कजन टू कजन, यानी कि एक नस्ल से दूसरी दूसरी तीसरी नस्ल में, तब जाके जीन जो है ना वो अपने न्यू सेट ऑफ द जीन भी वैसे ही बनाती है जैसे पुराने होता है, तब बच्चों में इनोवेशन आना बंद हो जाती है, तब जो है ना वो वेरिएशन बच्चों में ज्यादा स्ट्रांग नहीं आती है, बल्कि पता है क्या डिफेक्ट्स आना शुरू भी हो सकते हैं और जीन म्यूटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर ये डिफेक्ट्स के ऊपर मैं बताऊं? जी सर, कोई सर मैं कह रहा था, अभी मैं 3-4 दिन पहले गाँव गया था तो वहाँ पे जो है हमें हमारे करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई थी,
तो उनके दिल में जो है बचपन से सुराख था, और अभी वो तकरीबन 20-25 साल के थे तो उनकी डेथ हुई है. तो बिल्कुल जो मतलब नॉर्मल थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई. तो उनके बारे में ये सुना था कि उनके जो फैमिली है वो कजन मैरिजेस वगैरह कर रहे थे. तो सिर्फ उनकी एक बहन जो कि हमारी मुमानी है, उनकी अलग जगह पे की थी. तो इस वजह से उनका या उनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनके जो ज्यादातर कजन है उनके दिल में सुराख है. ज्यादातर के दिल में सुराख है, कम से कम 3-4 की तो अभी डेथ हुई भी है इसी वजह से. यस सर. देखना, क्योंकि जो जीन है जिसने प्रोटीन सिंथेसिस करके कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज बनाने हैं दिल के, इसका मतलब है कि वहां उनकी जीन में डिफेक्ट है, कहीं म्यूटेशन है कहीं पर. यस. और वो म्यूटेशन उनकी नस्ल दर नस्ल चल रही है. जी इंतजार कुछ कह रहे थे बेटा. सर अभी हसन ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने हसन को कहा कि स्किल और ये जो टेक्निक्स होती हैं ये हमें जीन से मिलती हैं, इज इट सर? नहीं नहीं, टेक्निक्स नहीं मिलती सर, स्किल हमें जीन से. मैं बोलूं थोड़ा सा, एबिलिटीज, एक मिनट, एबिलिटीज मिलती है, स्किल मतलब और जो हमारे पास सलाहियत होगी वो हमें जीन से मिलती है. हाँ सलाहियत मिलेगी, लेकिन सलाहियत जब तक काम नहीं करेगी अपने आप को मनवा नहीं सकती. यानी कि कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं वो जल्दी ड्राइविंग सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी ड्राइविंग नहीं सीखते, ठीक है ना? लेकिन सीख दोनों जाएंगे, एक पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक कम मेहनत में सीख जाएगा. तो ये चीज तो, लेकिन काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले दिन बैठ कर ड्राइविंग सीखता होगा, सीखा हुआ होगा. हमारे पास, हम जब बात करते जीन की, तो जीन में सर जो ये बात करना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ. तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ? बताएं बताएं. अभी हमारे एक ना जानने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर ट्विंस पैदा हुए, तो उन्होंने एक बच्चा जो है वो दूसरे घर में दे दिया और एक अपने पास रखा. तो अब जो ट्विंस थे बिल्कुल यानी के सेम, तो उन्होंने शक्ल वगैरह भी उनकी सेम, लेकिन जो कुछ अर्से बाद जो उन्होंने अलग किया था, तो एक जो है वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी फैमिली में गया था और दूसरा जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी फैमिली में था. तो जो पढ़ी लिखी फैमिली वाला था वो हेल्दी भी था, उसकी हरकतें भी सही थी और काफी हद तक जो बेहतर था दूसरे वाले के निस्बत काफी सारी चीजों में. ठीक है, तो इसमें जो है वो माहौल से फर्क पड़ता है. डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट है जिससे हमारी बहुत सारी बातें, हमारे देखिए लिविंग लाइफ से एक्सपेरिमेंट लेके आ रहे हैं. क्यों? जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, आस पास, माहौल में, एनवायरमेंट में, अपने खानदान में. यही काम करेंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे. सर आप कह रहे हैं कि कजन मैरिज के लिए प्रॉब्लम, अरुण बेटा जोर से बोले, आवाज कम आ रही है. तो सर जैसे अगर सर हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो कजन मैरिज होती है उससे ऑफस्प्रिंग में मतलब चेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम होती है. अरुण आपका माइक सही नहीं चल रहा, आवाज सही नहीं आ रही है. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हैं जैसे कजन मैरिज से ऑफस्प्रिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हम कजन मैरिजेस करते रहे तो. कजन मैरिजेस मना नहीं है, मतलब इनमें कोई नाजायज वाली बात नहीं है, कर जा सकती है. अब आ रही है सर, हम कह रहे थे आप कह रहे हैं जैसे कजन मैरिज से प्रॉब्लम हो सकती है ऑफस्प्रिंग में, तो जैसे अगर हम लोग मतलब फुफ्फो के बेटे से किसी की शादी हो जाए, उसके बाद नहीं हो किसी की भी, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? नहीं नहीं, देखिए प्रॉब्लम के चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि हो. हम देखें इंसान अकलमंद मखलूक है, अकल वाली मखलूक है. देखें हम खतरे वाला काम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, ठीक है ना? जहाँ खतरा, जिस रास्ते पे खतरा हो वहां गाड़ी नहीं चलाते, चाहे दूसरा रास्ता साफ हो लंबा हो वहां चले जाएंगे. तो खतरे वाला, तो चांसेस है, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता होगा. ये बहुत वाज़े एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ कजन मैरिजेस नस्ल दर नस्ल हो रही है, यानी कि दादाओं के अंदर भी कजन्स थे आपस में, दोनों दादा दादी भी कजन थे आपस में, नाना नानी भी कजन थे, आपके वालदेन भी कजन थे, और अगर आप भी अब कजन हैं, तो जितनी जीन ये आगे चलती चली जाएगी बच्चों में इनोवेशन नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि योर जीन पूल इज द सेम, एक ही जीन पूल के अंदर वही जीन आपस में मिक्सअप हो रही है. तो जब एक ही चीज बार बार मिक्सअप होगी तो वो नए रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी. बहुत छोटे मोटे कोई प्रोड्यूस हो जाए तो हो जाए. सर डिजीज भी आ सकते हैं? यकीनन यकीनन,
खानदानी डिजीज फौरन ट्रांसफर होगी, जैसे अभी महाराज ने बताया दिल में सुराख वाली बात, या शुगर है, या डायबिटीज मेलिटस 1-2 डायबिटीज का तो होता है अक्सर होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर आई साइड वीक है तो वो नस्लों में चलती रहती है, आई साइड वीक होती है। आपके 4 साल के बच्चे की नस्ल लग जाएगा -3 का। जी सर जी, ये आप सारे वगैरह भी चलते हैं। हम तो सिर्फ आपको पढ़ाने की कोशिश ये कर रहे हैं जो आपके डेली लाइफ में है वो अल्लाह जीन के जरिए करवाता कैसे, ठीक है ना, और ये होता कैसे। और याद रखे इसमें इंसान कसूरवार है, खुद इंसान कसूरवार अपनी लाइलमी की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से। जी जी, आप लोग क्वेश्चन ही कर ले, पढ़ाने का। सर जैसे हमारी फुप्पो है उनकी हाइट मतलब बहुत कम है, कम है सर, हमारी फुप्पो उनकी हाइट बहुत कम है और उनकी जो हस्बैंड है उनकी हाइट भी बहुत कम है सर, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है मतलब, तो वो कैसे हो सकती है? बच्चों की हाइट ज्यादा है जी सर, उनकी फैमिली में किसी की भी ज्यादा नहीं है लेकिन उनके बच्चों की हाइट मतलब बहुत अच्छी है। फुप्पा की हाइट कितनी है सर? उनके नाना नानी की अच्छी होगी, दादा दादी की अच्छी होगी, जवाब दिया है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। उसकी वजह है कि आगे हम पढ़ रहे हैं जीन पूल, और जीन पूल के अंदर होता ही है कि पूरे खानदान की जीन मिक्स होती है हर शख्स में, तो किसी भी वक्त कोई सी भी जीन। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब हम इसी चैप्टर से लेंगे आगे। अगर आपके सवाल खत्म हो जाए तो मैं अगर आपको टॉपिक पढ़ाना चाहूं। मेरे पापा पे चली गई जी सर, सारे बच्चों की हाइट मेरे पापा पे चली गई, किसी की चेंज तो होती सबकी। हाँ वही यही बताएंगे आपको, जीन के दो इम्पैक्ट है, रेसेसिव एंड डोमिनेंट। तो जहाँ डोमिनेंट जीन होगी वहाँ डोमिनेंट जीन खुद ही काम करेगी, रेसेसिव को करने नहीं देगी। अभी डोमिनेंट और रेसेसिव जीन क्या होती है आगे पता लगेगा, आपको अपने सवालों के बेहतरीन आंसर मिलेंगे जब हम आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना। मेंडल ने जो कर, मेंडल ने एनी कंफ्यूजन को दूर किया, यही छोटा काम थोड़ी किया हजरत जर्जर जॉन मेंडल ने, यही सबसे बड़ा काम करके। हमारी जो सूरमा स्टूडेंट है जवेरियतपुर अब मैदान में उतरी है, अगर ये थोड़ी देर पहले से मैदान में होती तो फिर आपको जबरदस्त जवाब देते, जैसे हमारे बैठे ना इंतजार भी माशाल्लाह से अच्छे सवाल और जवाब चल रहे। सॉरी सर, लाइट प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट जा रही थी बार बार। पाकिस्तान का दरीना प्रॉब्लम, आज हमारी किस्मत अच्छी थी। हाँ किस्मत अच्छी, क्या मतलब? जवेरी के आने तक किस्मत खराब हो गई थी, लाइट नहीं गई ना अभी हमारी। अच्छा यूं कहना चाह रहे, ठीक है चले जी माशाल्लाह। अभी किसी का सवाल तो नहीं है, आगे चले थोड़ा सा। सर मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग में है, कोई ना कोई बोल देता है बीच में, मैं चुप हो जाता हूँ। चले चले चले, आप दे रहे आप। सर मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस की जीन तो ट्रांसफर हो सकती है बट स्किल्स कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्या ट्रांसफर? जो कि आपने हसन को कहा कि सर स्किल्स ट्रांसफर नहीं हो सकती हमारी। बिल्कुल सही है, आपने हसन को कहा कि स्किल ट्रांसफर होती हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर स्किल ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ इंटेलिजेंस जीन ट्रांसफर होती है। बिल्कुल सही, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसा ही है क्योंकि स्किल का ताल्लुक, बिल्कुल सही है, अगर वहां स्किल लफ्ज आ गया हो तो उसको रिमूव कर दे हसन के पास, क्योंकि स्किल का ताल्लुक प्रैक्टिस है। मैं डिफाइन यही कर रहा था ना, क्योंकि स्किल का ताल्लुक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। दर्जी के पास कपड़ा सीने की स्किल कब आई थी? आपने कहा एबिलिटी आएगी। क्या आएगी? आपने कहा एबिलिटी भी हमारी जीन से आती है, स्किल भी जीन से आती है, बस ये दोनों चीजें कभी भी जीन की मदद से नहीं आती। बात समझिए, एबिलिटी और स्किल की, एबिलिटी मतलब कहने का यह है कि एबिलिटी और स्किल की जो जीन मौजूद है वो प्रैक्टिस करने से अपने काम को जाहिर करेगी। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो जीन मौजूद है और वो नहीं होती। यकीनन टूल्स हमारे पास हैं और अगर हम टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमें सही पता चलेगा, अगर हम टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इंतजार की बात, इंतजार की बात। सर असल में मैंने कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि स्किल और एबिलिटी हमारे पास जीन में होती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जीन में नहीं होती, वो हमारे बर्थ के बाद हमारे लर्निंग प्रोसेस में एबिलिटी और हमारे पास कोई ना कोई स्किल हमारी बॉडी में आती है। अगर फॉर सपोज कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमारा उसके पास सिर्फ इंटेलिजेंस है, उसके फादर की स्किल अंदर नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ,
सर आपने पहले यही कहा था कि ऐसा ही है, मतलब इंतजार पहले कह रहे हैं ना, आपने यही कहा। हाँ, क्योंकि स्किल्स और एबिलिटी का ताल्लुक आपकी परफॉर्मेंस है, करेंगे तब सीखेंगे। हाँ, उसके करने, उसको करने की जो जीन है कि आपके अंदर उस काम को, उस लर्निंग करने की जीन मौजूद हो सकती है, कि आपके अंदर उसका एप्टीट्यूड मौजूद हो सकता है, ठीक है ना, कि आप दूसरे के बनिस्बत तेजी से काम कर लेंगे। यानी कि डॉक्टर का बेटे के पास अगर डॉक्टर बनने की जो है वो अगर ख्वाहिश होगी तो वो तेजी के साथ बन सकता है, रेदर देन दिस के जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो याद रखें, स्किल्स एंड एबिलिटीज, वो जिसे इंतजार भी बात कर रहा है, हम भी वही कह रहे हैं कि ये करके आती है, प्रैक्टिकली वर्क का काम है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बेटा तो इस तरह सारे सारे डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ही हो, इंजीनियर के बेटे सारे इंजीनियर निकला, ठीक है। जी जी खदीजा बेटा, सर तो जैसे मेरी जो अम्मी है तो उनकी ड्राइंग अच्छी है, तो इसी तरह मेरी भी ड्राइंग अच्छी है, मतलब बचपन से अच्छी मैंने सीखी नहीं है, तो फिर सर ये जीन में नहीं आई? बिल्कुल आई है, वो आपके अंदर उस जीन का एप्टीट्यूड मौजूद था, मतलब जो उसको सलाहियत कह लें, आप कुछ भी नाम दे लें, कि उस चीज को करने की आपके अंदर एक ख्वाहिश मौजूद थी उस जीन के, यानी कि वो जो जीन, अगर आपने उसको बरूए कार लाया तो आपको ड्राइंग आई। ऐसा नहीं था कि आपने पहले दिन ड्राइंग उठाई होगी तो बड़ी शाहकार बना दी होगी, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन बनिस्बत दूसरे के आपने वो जल्दी सीख ली, हो सकता है किसी और बहन में आपकी इतनी अच्छी सलाहियत ना हो उसको सीखने की, आप सिखा के उसको तंग आ गई हो, आप जाके कुछ ड्राइंग सही हुई हो, ठीक है ना। तो आपको आई कब है, जब आपने करना सीखा। सर वो तो प्रैक्टिस की वजह से हुई ना सर, लेकिन सर, वो तो प्रैक्टिस की वजह से हुई। लेकिन दो बंदे प्रैक्टिस करते रहे जी सर, एक अगर जिसके अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल मदर को ड्राइंग आती है, फर्ज में मेरी मदर की एग्जाम्पल ले लें, मदर को ड्राइंग आती है और मुझे नहीं आती, पर जो स्टूडेंट थी उनकी मदर को आती है, उनको भी आती है, पर अगर मैं ट्राई करूंगा मैं इनसे अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ। अगर मेरी मदर के पास वो जीन नहीं है फिर भी मैं उनसे अच्छी बना सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, ये चीजें जीन में नहीं होती। लर्निंग कैपेबिलिटी सर, ऐसे मेरी ड्राइंग जैसे अच्छी नहीं है, मेरे घर में सबकी ही अच्छी है, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस भी करी लेकिन सही ठीक नहीं होती ड्राइंग, तो ये तो सर सलाहियत है ना हमारी। जवाब दे दें सर, अब आप सुने, आप देखिए जो स्टूडेंट बात कर रही है वो आप उसकी बात का आप जवाब दें। भाई वो ये कह रही है मेरे घर में तो सबकी अच्छी है, मैं बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं हुई अच्छी और खूब प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। मेरे मदर और फादर दोनों की ड्राइंग अच्छी है, और मैं अगर नॉर्मली ड्राइंग कर रहा हूँ वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता हूँ, बहुत मेहनत करके करता हूँ, तो सारे काम अच्छे होते हैं बेटा, और फिर कॉन्सेंट्रेशन में आपको टाइम भी तो कितना लगता होगा। यस सर, लेकिन जो बना फिर हम सही थे, सही लर्निंग कैपेबिलिटी है। यस सर, ये तो गॉड गिफ्टेड भी होता है ना सर, गॉड गिफ्टेड भी तो होता है, जरूरी थोड़ा है कि सब कुछ आपके जीन में है। हमारे पास जीन में नहीं होता गॉड गिफ्ट, सर गॉड गिफ्ट भी हमारे जीन में नहीं होता। नहीं इंतजार भाई, मैं एक बात आपको यहाँ करना चाहूंगा कि याद रखिए कि हर शख्स हर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सर, अगर आपकी बात को मिन और अन समझ लिया जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर शख्स के पास हर काम करने की एबिलिटी होती है, दैट इज इम्पॉसिबल। बट सर अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो सारे काम कर सकता है, करना अलग बात है, सब नहीं कर सकता, करना अलग बात है, करना अलग बात है, कर लेगा, एक्सपर्टीज हासिल करने की, यहाँ बात एक्सपर्टीज हासिल करने की हो रही है। अच्छा आपकी करियर काउंसलिंग होती है मेरे पास में, मेरे पास में आपकी करियर काउंसलिंग होती है, जो भी एक बच्चे की एक स्टूडेंट की मैट्रिक के बाद इंटर के बाद एक करियर काउंसलिंग होती है। करियर काउंसलिंग में जो करियर काउंसलर होता है वो करियर काउंसलर क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चों की सलाहियतें देखता है। हाँ सर, उसको उसी हिसाब से उसमें डालता है कि बच्चा इसके काबिल है, ये डॉक्टर बनने के काबिल है या इंजीनियर बनने के काबिल है या आर्टिस्ट बनने के काबिल है, मतलब उसकी सलाहियत देखकर उसको आगे पहुंचाता है। हाँ, और उस बच्चे से पूरा एक फॉर्म भरवाया जाता है
बस आपने टिक टिक करना होता है, ये टिक करना, ये टिक करना, ये टिक करना, और कुछ नहीं करना, पढ़ना और टिक करना, पढ़ना और आंसर टिक करना, उसको फिर एनालिसिस में डाल देना, पूरे रिजल्ट निकल के आते हैं कि इस बच्चे का रुझान किस तरफ है। सही सही, आर्टिस्ट की तरफ है, इंजीनियर की तरफ है, डॉक्टर की तरफ है, फिलोसफर की तरफ है, आर्किटेक्टर की तरफ है, किस तरफ है, ठीक है ना। और ये खोदने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके अंदर हिडन सलाहियत कौन सी है। अगर ये बातें नहीं की जाए तो हर शख्स को एक ही प्रोसेस से गुजार दिया जाए, हर शख्स को एक ही प्रोसेस से गुजार दिया जाए, ठीक है ना। अगर हिडन सलाहियतें अगर सबकी सेम ही हो तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जाने वाले चलते ना, सब सब सबके पास सब सलाहियतें हैं तो ऐसा, और सबके पास अगर सब सलाहियतें, सब कामयाब क्यों नहीं है। यहां मैं आपको एक बात कहूंगा कि अल्लाह ने हर इंसान में जो सलाहियतों का लेवल है ना वो एक ही रखा है, बस प्रैक्टिस आपको बहुत आला लेवल पर लेके जाती है, ठीक है ना। अब आपको जिस तरीके से माहौल की तरफ से इंटेंशंस मिलती हैं, दोस्तों की तरफ से आपको इंटेंशंस मिलती है, अपने सक्सेसिव लोग जो होते हैं, आपके चचा हो, ताया हो, मामू हो, खालू हो, फूफा हो, महल्ले में कोई शख्स हो, कोई उस्ताद हो, किसी की तरफ से जो आपको इंप्रेशंस मिलती हैं जिससे आप इंस्पायर होते हैं, आपकी सोच और फिक्र का लेवल वहीं काम करने लग जाता है। मतलब आपको कोई डायरेक्शन मिल जाती है, अब बस उस डायरेक्शन पे काम करना जो है, अब आपका जिस्म बिल्कुल परफेक्ट है, आपका जिस्म बिल्कुल परफेक्ट है, दिल, आग, गुर्दा, फेफड़ा, हाथ, कान, दिमाग, अकल, सोच, फिक्र, सब बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने उसको चलाना है कि उसके किस रोल मॉडल को आपने बना के। अच्छा, जो दुनिया में लोग सारे काम कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए ना, और अगर आपने इंटरव्यू में ये लफ्ज कह दिया, मैं आप सबको कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा जरा गौर से, अगर इंटरव्यू में आपने ये कह दिया जॉब हासिल करने के लिए कि सर मैं सारे काम कर सकता हूँ, वो उसी वक्त आपकी सीवी के ऊपर रिजेक्ट लिख देगा, REJECT। क्यों, कोई बताया ऐसा क्यों लिखेगा? सर सारे काम कैसे कर सकता है सर? मैंने खुद लिखा है, एचआर मैनेजर हूं मैं कंपनी में, मैंने खुद MS HRM किया हुआ है मेहरान यूनिवर्सिटी से 2014 के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कैरिकुलम हमारा। मैंने खुद कई लड़कों को और लड़कियों को अनसेलेक्ट किया है इस जुमले में, तो पूरी एचआर की प्रैक्टिस है। क्यों बता बता सर? जैसे हर इंसान में हर सलाहियत नहीं होती, वो काम नहीं कर सकता, हर इंसान में काम के लिए परफेक्ट नहीं होता। सर जी जी, सर आप कह रहे हैं कि सारी चीजें सर प्रैक्टिस से, मतलब एक से इंसान सीखता है, तो सर फिर जीन का इसमें क्या काम हुआ, पेरेंट्स से क्या? अरे सर, प्रैक्टिस करवाना, ये नहीं कि प्रैक्टिस काम करवाना जीन का है, क्योंकि जीन ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन सिंथेसिस से वो ऑर्गन बन के आ गया, वो ऑर्गन बन के आया तो उस ऑर्गन को अकल और फिक्र पे काम करना है, बस जीन का काम वहां पर आके खत्म हो गया। हाँ, जीन का काम ये जरूर हो सकता है कि आपको उस तरफ रागिब करे, उस तरफ आपकी तवज्जो मफजूल कराए। सर फिर वो तो हमने दिमाग से सोचा ना, हमने अगर किसी और को देखा, फिर हम इंस्पायर हुए, फिर हमने कोशिश की खुद ने, इसमें जीन का तो कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, इसमें जीन का सिर्फ बेसिकली कोई काम नहीं है, लेकिन जीन का सिर्फ इतना सा काम है कि जब आपने सोच और फिक्र करवा ली ना उधर मफजूल, तो जो उसने आपके बॉडी के पार्ट बना के आपको दिए थे, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बस जीन का से ज्यादा कोई और काम नहीं है। आप ये जो आपके अंदर सोच और फिक्र आ गए ना, यही बहुत बड़ा काम है, वरना इंसान सोच और फिक्र ही तो लेके नहीं आता अपने अंदर, जो पूरी जिंदगी बेकार गुजार देता। हालांकि जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने कई सारे लोगों को रिजेक्ट किया है कि वो कहते हैं कि हम सारे काम कर सकते हैं, तो मेरे जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ उनकी मैथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है, हमने में वेल्डिंग वगैरह के काम किए हैं, बहुत सारी चीजें, शेड लगाना, बेंच बनाना, ये सब। उसके अलावा मेरे बाबा खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, प्लम्बिंग भी कर लेते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को और भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं जैसे बाकी कोई नहीं पढ़ाता। तो इसके अंदर तो ये कहा जा सकता है कि मेरे बाबा बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अगर मैं उनके तरीके से सीखूं और गौर करूं तो मैं भी उनकी तरह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे तो ये बात आ सकती है ना फिर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, जीन का सिर्फ इतना ही किरदार है कि आपको अगर आप काम करना चाहेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करवा लेगी, वो आपको लेके चली जाएगी। जैसे कि मेरे फादर हैं डॉक्टर, लेकिन उनकी मैथ भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने मैथ जो वो कॉलेज वगैरह में पढ़ाई हुई भी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, माहौल का बहुत इम्पैक्ट है, ये बात याद रखें, आपके दोस्तों का आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट है, आपके आसपास। जी बल्बिया,
एक हदीस भी है ना सोहबत की, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी सोहबत जो है ना मुश्क की तरह है, वहां जाओगे तो महक जाओगे, और बुरी सोहबत सर कोयले की तरह है कि वहां जाओगे सर कंधे हो जाओगे, काले हो जाओगे। एग्जैक्टली, उसकी वजह यही है कि खुशबू मतलब आप लोगों के काम आने लगेंगे, लोग आपको लोगों का आपकी खुशबू आने लगेगी, लेकिन जब आप बुरी सोहबत में जाके बैठेंगे तो आप पूरे माशरे के जी बेटा बोले, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी चुप हो गए। अच्छा, ये बातें बिल्कुल हमारे लिए बहुत वाज़े तौर पे क्लियर हो रही है कि प्रोटीन, हमने अब तक जीन का क्या काम पढ़ा, जीन ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का बनना, ट्रांसलेशन प्रोटीन का बनना, और प्रोटीन से बॉडी का पार्ट बनना। ठीक है, जब बॉडी का पार्ट बन के तो जीन का काम सिर्फ बॉडी के पार्ट बनाने तक है कि उसने बेहतरीन बॉडी का पार्ट बना दिया। मैंने आपको ये बात वाजे तौर पे कह दी थी कि ब्रेन बना दिया उसने, लेकिन जो अकल की कोई जीन नहीं होती है, अकल की जीन इसलिए नहीं होती है कि जितना आप इल्म हासिल करते हैं उतनी अकल परमान चढ़ती है। एक पढ़े लिखे इंसान की अकल और एक अनपढ़ इंसान की अकल कदरे बराबर नहीं हो सकती। कुरान की आयत बहुत वाजे तौर पर कि क्या पढ़ने क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? कुरान कहता है अगले इंसान के नहीं हो सकते। जी अरुवो बेटा कुछ कह रही है? तो जवीरिया नहीं कह रही आज कुछ, नहीं अरुवो ने हैंड रेस किया हुआ। सर जो हमारा प्रोफेशन होता है हमारा भी उसके हिसाब से समझाया गया। अरुवो माइक सही नहीं है आपका। सर मैं कह रही हूँ तो जो हमारा प्रोफेशन होता है तो उसका असर हमारे दिमाग पर होना स्टार्ट हो जाता है क्या? सर ये कह रही है कि सर ये कह रही है कि जो हमारा प्रोफेशन होता है क्या उसका असर हमारे दिमाग पर होता है? प्रोफेशन का असर हमारे जीन पर नहीं होता, दिमाग पर होता है। जीन सर, जैसे मेरे पापा हैं तो वो लॉयर हैं, तो सर उनसे मतलब वो झूठ बोलते हैं उनको पता चल जाता है, मतलब वो उनसे झूठ नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। देखे वो उनकी प्रैक्टिस है, उन्हें पता है वो सर मैं बताऊ देखे वो दिन और रात कोर्ट में गुजारते हैं, उनका झूठों से भी पाला पड़ता है और सच्चों से भी पाला पड़ता है। उन्हें पता है कि जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, जब इंसान सच बोल रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि किसी नबी का वाकया है, मेरे ख्याल रसूलुल्लाह का ही वाकया है कि एक शख्स आया, उसने झूठ बोला रसूलुल्लाह के सामने, तो किसी दूसरे शख्स ने कहा कि तुम उनके सामने झूठ बोल रहे हो जिनके सामने गैब भी आया है, तो रसूलुल्लाह ने उसको टोक के कहा कि गैब आया होना दूर की बात, ये शख्स झूठ बोल रहा है तो इसके जिस्म के आजा इसके साथ नहीं दे रहे हैं, इसकी आंखें इसका साथ नहीं दे रही हैं, इसका जिस्म हाथ पांव इसका साथ नहीं दे रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। समझ में आ रही ना? तो क्योंकि आपके वालिद सुबह शाम झूठों और सच्चों में घूमते हैं तो ही नोज बेटर के बंदा जब गुफ्तगू कर रहा है तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, यू अंडरस्टैंड, जज भी कर लेता है। तो सर हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकती है बात, नहीं आ रही आवाज होता है शामिल या प्रैक्टिस से होता है? तो सर ये हमारे अंदर आ सकती है, मतलब ऑक्सीजन में आ सकती है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, वुमेन एज वेल, इंसानों को प्रैक्टिस परफेक्ट करती है। पापा को पता चल जाता है तो ये हम लोगों के अंदर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, प्रैक्टिस करें आप भी। देखने से भी तो असर पड़ता है ना, जिसको हम देखते हैं वही हरकत करते हैं। देखिए वाजे तौर पर इंतजार से भी बात हो गई, इंतजार ने वाजे तौर पर कह दिया कि हमने पहले कह दिया कि प्रैक्टिकल जो है ना एबिलिटी जो है वो एबिलिटी इम्प्रूव होती है आपके काम करने से। अगर आपने ड्राइविंग सीख ली कहीं से ड्राइविंग सेंटर में जाके, लेकिन एक साल तक कार नहीं चलाई, फिर एक साल बाद जरा कार में बैठे आपके हाथ पांव सब फूल ले होंगे, लेकिन जो रोज गाड़ी चला रहा वो आपके साथ ही सीखी थी उसने, आप अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे वो गली से बाहर निकाल लेगा। सर दुआ कोई क्वेश्चन पूछ रही है? पूछे भाई पूछे दुआ। जी दो बेटा। सर अगर प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है तो फिर जीन का क्या काम, मतलब अगर हम सब चीजें प्रैक्टिस से सीख रहे हैं, मतलब अगर आपने कहा कोई भी जो अगर पेरेंट्स में थी, फिर मुझे इसमें जीन का समझ में नहीं आ रहा काम क्या हो रहा है। नहीं जीन का काम मैंने फिर कहा ना, जीन का काम सिर्फ आजा को परफेक्ट तरीके से बनाने की हद तक है। ठीक है सर, परफेक्ट बना दिया उसके बाद
सर हम तो पूरे सही परफेक्ट बन गए ना, अभी तो हम दूसरों से सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, तो इसके अंदर जीन के अंदर से तो हमारा कुछ भी नहीं आया ना, कि अगर हम पहले से ही मतलब सीखे सिखाए आए थे या कुछ। अब जैसे हम बन तो गए, अगर हम बने तो उन जैसे सेम टू सेम, मतलब अगर कुछ हमारे बॉडी पार्ट बनते हैं सर वो सेम बन गए, लेकिन अगर आपने कहा कि अकल की और चीजें भी, इस बात को एक तरीके से हम डेड एंड करा सकते हैं। जवेरिया की बात देंगे, जवेरिया कुछ कहना चाह रही है लेकिन मेरी बात सुन लें, इस बात को हम एक तरीके से एंड कर सकते हैं कि जीन सिर्फ इंटेलिजेंसी पे थोड़ा सा असर डालती है। इंटेलिजेंसी की जीन हो सकती है, माइट बी पॉसिबल है, जिसको हम अपने प्रैक्टिस से अंदाजा कर सकते हैं कि जीन और आपकी इंटेलिजेंस ही आपके पूरे जिस्म को यूज करवाती है, ठीक है ना। जीन्स आपके इंटेलिजेंस पे असर कर सकती है, और इंटेलिजेंस जो आपकी अकल से मरबूत है, राबता है उसका, बस सिर्फ ये चीज अगर आपकी सोच और फिक्र चेंज होती तो काम कर लेती, अदरवाइज जीन ऐसी नहीं होती है। पहले डिस्कस हो चुका है इंतजार से भी, और उससे पहले खदीजा से भी डिस्कस हुआ था कि जीन ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी में डाल दी जाए तो वो डॉक्टर बन जाए, या वो अच्छा ड्राइंग करने वाला बन जाए, या वो अच्छा ड्राइवर बन जाए, या वो अच्छा इंजीनियर या सुपरवाइजर बन जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद आती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक का प्रोसेस लर्निंग का फास्ट हो, एक का प्रोसेस लर्निंग का स्लो हो, बस ये हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर अगेन मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ आपने कहा कि जीन, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ इंसानों की बात ना करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो फिर क्या ये बात सही हो सकती है कि जीन अगर ट्रांसफर कर दी जाए तो चेंजिंग आ सकती है? चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकती है सिर्फ। सर अगर कोई प्लांट हम लें, जैसे कोई प्लांट हम लेते हैं तो उनमें जीन चेंज करवाई जाती है तो फिर काफी सारी चेंजिंग आ जाती है, लेकिन वो फिनोटाइप में आएगी ना, बस आती रहेगी, बॉडी स्ट्रक्चर में आएगी, आते रहे। जैसे छठी उंगली आ जाती है जीन म्यूटेशन के बाद, फिजिकली चेंज होते रहे होते रहे, क्योंकि जीन का काम ही फिजिक्स बनाना है, बॉडी बनाना है। आप पुराने लेक्चर्स में नहीं रहे ना हमारे, लेकिन आपको पता था होगा क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस और बॉडी का पार्ट बनाना। अगर ट्रांसक्रिप्शन में जीन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कम हो गई है, अगर डिलीशन हुई है तो साइज कम, जो भी ऑर्गन था, डुप्लीकेशन हो गई तो साइज डबल, यानी कि छठी उंगली भी आ जाएगी, लेकिन अगर इन्वर्जन हो गई तो उंगली का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीन तो काम ही